हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इडली डोसा सांभर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सबसे क्विकेस्ट एंड सिंपलेस्ट रेसिपी है जिसे आप कभी भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वेजिटेबल्स के। अच्छा, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर चने और मसूर के दाल ले रही हूँ। मैंने 1 कप मसूर के दाल और 1 कप चने के दाल लिए हैं। तो मैं सबसे पहले इसे बॉईल करूंगी। बॉईल करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़े से पानी लिए हैं। उसके बाद सारे दाल को मैं यहाँ पर सीजने के लिए डाल दूंगी और इसमें थोड़ी सी नमक भी ऐड कर दूंगी। ये दाल अभी बॉईल हो चुके हैं। दाल को अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद मैं इसे साइड में रख दूंगी। उसके बाद मैं सांभर का मसाला तैयार करूंगी। सांभर का मसाला तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर लाल मिर्च, पंचफोरन, धनिया और जीरा डालकर अच्छे से फ्राई करूंगी। फ्राई करते करते जब ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसका मतलब ये मसाला फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इस मसाले को ग्राइंड कर लूँगी। अब सांभर मसाला तैयार है। उसके बाद मैं यहाँ पर इमली लूँगी। मैंने यहाँ पर इमली को पानी में घोलकर तैयार किया है। इसको मैं डायरेक्टली कढ़ाई में डाल दूँगी और इसमें थोड़ी सी और पानी भी ऐड करूंगी। जब ये पानी उबलना स्टार्ट हो तब इसमें नमक और जो मसाला मैंने तैयार किया है उसका हाफ मैं इसमें डाल दूंगी और उबालने के लिए दे दूंगी। कुछ देर बॉईल करने के बाद जो दाल को मैंने बॉईल करके रखे थे उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी। और थोड़ी सी इसमें शुगर भी ऐड करूंगी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब हमें सांभर में तड़का डालना है। तड़के के लिए मैं एक फ्राइंग पैन में थोड़ी सी ऑयल डालकर उसमें सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी सरसों और थोड़ी सी करी पत्ता डालकर उसे हल्के हाथों से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली सांभर में मिक्स कर दूँगी। लास्ट में नमक और मिर्च को आप थोड़ी सी चेक कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है। और बस डोसा और इडली सांभर बिल्कुल तैयार है। ऐसे सांभर आप कभी भी घर पर बना सकते हैं, बहुत ही क्विक एंड इजी प्रोसेस है। तो ये था डोसा और इडली सांभर की रेसिपी। रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। उसके साथ आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस को आप ज़रूर देख पाएँ।